ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिटायर्ड डीजीपी बीएस नेगी और डीपीएस स्कूल सोलन के एमडी टिक्कम सिंह पंवर पुर्तगाल में 12 से 17 अगस्त को सीनियर लोन टेनिस प्रतियोगिता होने जा रही है। ये जानकारी दोनों खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वे इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रोज वे करीबन 12 किलोमीटर दौड़ते हैं और 2 घंटे लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं। रिटायर्ड डीजीपी बीएस नेगी और डीपीएस स्कूल सोलन के एमडी टिक्कम सिंह पवर पुर्तगाल में 12 से 17 अगस्त को होने जा रही सीनियर लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी दोनों खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वे इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और रोजाना करीब 12 किलोमीटर दौड़ते हैं और 2 घंटे लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, टेनिस की है और इसे ITF करवा रहे हैं एंड ये पोर्चुगल में होंगी एंड लिस्बन जो शहर है वहाँ होगी और इंडिया की तरफ से सर भी जा रहे हैं और मैं 50 की कैटेगरी में जा रहा हूँ एंड आई एम लकी टू बी कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम आल्सो। और टेनिस हमने बड़ी एक इट इज़ अ पैशन और उसके लिए हम मतलब रात तो नहीं कहूँगा पर सुबह अपने 2.5-3 घंटे जरूर लगाते हैं। वी आर गोइंग टू गिव आर 100% और कई टीम से हमारा अच्छा कंपटीशन होने वाला है। वी आर फुली प्रिपेयर टू गिव आर बेस्ट और वी होप टू मेक द नेम ऑफ द कंट्री बिग इन द वर्ल्ड सिनेरियो। सर्वप्रथम तो अपने आप में इंडिया को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करना अपने आप में मैं सोचता हूँ कि बड़ी बात है। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो इस मुकाम को पाने के लिए समय, प्रयास और ट्रैवलिंग बहुत सारा करना पड़ा। तो मैं बहुत ही अपबीट हूँ कि भी सारे जितने 12 खिलाड़ी जा रहे हैं विभिन्न तीनों जो आयु वर्ग में वो एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड हैं और हमारा परफॉर्मेंस पिछले साल से भी बेहतर होगा। आपको बता दें कि टिक्कम सिंह पवर रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और अब तक वे लॉन टेनिस में चाइना, USA, जर्मनी, थाईलैंड, टर्की, अफ्रीका देशों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। यही वजह है कि वे आज 50 प्लस में भारत की टीम के कैप्टन हैं। वही रिटायर्ड DGP बीएस नेगी 60 प्लस में अपनी प्रतिभा में सभी को हैरान कर देते हैं। यही वजह है कि हिमाचल के दोनों खिलाड़ी आज विश्व प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। पवर और नेगी ने बताया कि भारत का अच्छा प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हो वे इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम विदेश में बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारत का परचम लहराएगी।